जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुका है, और इसमें देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग को मिल ही रहा है, साथ में मैं आप लोग को ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी सेशन दे रहा हूँ। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सामने क्वेश्चन है और ये एग्जाम का नाम है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और यही सारे क्वेश्चन मेरा उद्देश्य है चलाना, क्योंकि पी बाई क्यू से ही आप लोग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और ये जो बुक है, ये जो सब्जेक्ट है कहाँ से लिया गया है। तो मैं पहले बता देता हूँ ये टोटल एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अगर इससे रिलेटेड अगर और सारा भी वीडियो आपको चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग जान चुके हैं कि पी बाई क्यू है और एनसीईआरटी प्योर क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया कि भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे में देखिएगा दक्षिणी साइड में तो मिल जाएगा, एक श्रीलंका मिल जाएगा और एक मालदीव मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने स्टेट बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये 5 हो जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन और है कि वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाइएगा तो श्रीलंका भी, ठीक है, सीमा साझा नहीं करता है। दिया गया है कि त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, किससे, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसी तरह ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है तो यूएई नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम डैश देश के साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान, नेपाल और चाइना के साथ, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सिक्किम जो है ये तीनों देश से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, याद रखिएगा कितने देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान हो जाएगा, तो ये भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि डैश सीमा विश्व के पश्चिमी सबसे बड़ी सीमा है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है, एकदम वीवीआई समझ के इसको याद रखना है। दिया गया कि भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो त्रिपुरा से ये नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से तीन साइड से ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे भारतीय स्टेट जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, तो देखिएगा तो पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी है, 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, तो ये पश्चिम बंगाल। उसी तरह याद रखना है वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो हिमाचल प्रदेश। उसी तरह दिया गया है कि भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, पूर्व में देखिएगा तो पड़ोसी देश ये बांग्लादेश ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से दिया गया है याद रखना है कि वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हरियाणा नहीं करता है, कहाँ से कर लेगा, ठीक है, एकदम याद रखना है, क्योंकि आप देखिएगा तो वहाँ पे पंजाब तो हो ही जाएगा, फिर हरियाणा, तो पंजाब इसको रोक लेता है। भारत का पड़ोसी देश है तो आप ले सकते हैं नेपाल को, एकदम सटा हुआ है। दिया गया है कि वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये झारखंड नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये भूटान के साथ करता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश। भारत और चाइना के बीच में देखिएगा तो मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग देखे थे लो, तो उसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ये रेड क्लिफ हो जाए,
ठीक है, यहाँ से दिया भी गया है भारत और पाकिस्तान के बीच रीड क्लिप। फिर यहाँ से दे दिया गया है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन जो दिया रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन दिमाग में रखना है म्यांमार के साथ बोल रहा है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बेस होता है, वैसे में असम नहीं करता है। दिया गया है कि भारत देश के साथ अपना सीमा साझा करता है या साझेदारी करता है, तो भारत जो है म्यांमार के साथ करता है। उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि वह खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के को विभाजित करता है, तो पाक की खाड़ी जो है ना ये भारत और श्रीलंका को क्या करता है, विभाजित अलग अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्पर्श नहीं करती है, तो ये हरियाणा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा देखिएगा डैश देश के साथ है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। अगर कोई पूछ दिया जाए तो बोलिएगा 40.97। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा देश के साथ है, तो भारत और म्यांमार के साथ आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के स्थलीय सीमा के साथ है भारत और म्यांमार। आइए यहाँ से देखेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब मैच करेंगे ना, तो भारत और चाइना तब मैं एक मोहन हो जाएगा दोनों के बीच, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान है सॉरी, अगर पाकिस्तान बोल देगा तो रेड क्लिप, अफगानिस्तान बोल देगा तो डूरंड लाइन। जर्मनी और फ्रांस के पास मैनी नोट देखिएगा, मैगी नोट हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच देखिएगा तो 49वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान है क्या, एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। देखिएगा मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो मैकमोहन भारत और चाइना के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि भारत के वे राज या यूटी जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं बनाता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात बनाता है। उसी तरह यहाँ दिया गया दोस्तों कि वह राज्य जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और म्यांमार से लगी हुई है, तो याद रखिएगा ये मिजोरम। फिर से दिया गया है कि म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो देखिएगा ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, ठीक है, नागालैंड, मणि, नागमणि याद रखिएगा, मिजोरम, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और नीचे आइएगा तो त्रिपुरा वगैरह आपको मिल जाएगा। तो कैसे रहता है, मित्र रहता है, उसके बाद अब ऊपर आपका अरुणाचल, नागालैंड, और ये इस तरह से करके आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख सकते हैं। भारत और चाइना को देश से सेक्टर में बांटा गया था, ये तीन सेक्टर में, भारत के देश राज्य और यूटी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, तो 9 को है याद रखिएगा। फिर से यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना हम लोग को कि दिया गया है LAC जिसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच, तो LAC भारत और चाइना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर पड़ोसी देश देखा जाए तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा कि ये मालदीव दिखे, देखा जाए तो भारत यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो 1,06 हो जाएगा। अगर भूटान के साथ बोल जाए 699 हो जाएगा, म्यांमार के साथ कोई बोलेगा तो 1643 हो जाएगा, उसी तरह नेपाल के साथ तो 1751 हो जाएगा, ऐसे करके याद रखना पड़ता है। डैश देश के साथ भारत के लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो ये बांग्लादेश जो कि मैं बोला था 40.97। भारत और भूटान के बीच सीमा भारत के देश राज्यों से लगती है, तो ये 4 राज्यों से लगती है, तो भारत और भूटान के बीच जो है 699 की आपको याद रखना है। दिया गया है कि डैश देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है, तो ये नेपाल के साथ याद रखिएगा। उसी तरह पूर्व में भारत की सीमा देश देश से लगती है, तो ये म्यांमार और बांग्लादेश। दिया गया है गुजरात है कि सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती है, तो ये पाकिस्तान के। दिया गया यहाँ से ध्यान देना है कि दिन तथा न्यूनतम तापमान समानता होता है, तो प्रातःकाल सुबह के समय, ठीक है, याद रखना है।
यहाँ से दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर है, तो पाकिस्तान याद रखना है। अच्छा, अन्य तथ्य में यहाँ से देखिएगा एक नया चैप्टर जो कि मिसलेनियस आप बोल सकते हैं, सर्दीय बीसीओ जिसको दिन और रात बराबर जब होता है 2019 में देश को था, तो 23 सितंबर याद रखिएगा। वह जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो ये आपको किन्नौर करके याद रखना पड़ेगा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान तो ये 7वां आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि गोवा राज्य की राजधानी तो पणजी हो जाएगा। देन उसके बाद याद रखना है महानसर, दुरंगपुर, चरो और नारलाई शहर भारत के किस राज्य में, तो ये राजस्थान में। उसी तरह दिए गए वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला ये हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के देश में भाग ये मतलब फैला हुआ है, 2.34 में फैला हुआ लगभग दिया गया है। यहाँ से देख लीजिएगा कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और किस भाग में, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ से देखिएगा मतलब ये आपका उत्तर पूर्वी कैसे बोल सकते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, तो भारत यहाँ पे है, तो ये सबसे पहले ऊपर में है तो उत्तर हो गया, और पूर्व साइड है तो पूर्वी हो जाएगा, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय मानक समय जिसको IST बोलते हैं, ग्रीनविच माध्य समय जिसको GMT से कितना आ गया, तो 5.5 घंटा आ गया है। उसी तरह याद रखना है कि भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाया जाता है GMT प्लस 5.5 घंटे। उसी तरह दिया गया वह शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये शिलोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से ध्यान देना आपको दिया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से के समय देश के समय का क्या है, टाइम लैग है, यानी कि पश्चिम अंतराल है, तो 2 घंटा के दोनों के बीच के ये है। दिया गया है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी, तो दोनों के बीच में 2 घंटा के क्या है, गैपिंग होता है। दिया गया है कि वह जल डमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मनार से पृथक करता है, तो याद रखिएगा यही होता है पाक जल डमरू मध्य। दिया गया है कि भारत से अधिकतम दूरी पर है कौन सा, दक्षिणतम ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से भारत की जल सीमा रेखा मिलती है, तो जल सीमा रेखा ये 7 देश से, भारत और श्रीलंका डैश जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है, तो ये पाक करता है। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर के जो दूर शहर होता है ये भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, तो ये तट से बाड़े समुद्री मील तक होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, अगर पूछा हुआ है कि भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये देखिएगा ना, उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमात्रा के बीच के, तो उसी को ग्रैंड जल संधि बोलते हैं। लास्ट यहाँ से देखेंगे मिलान करने वाले, तो यहाँ से देख लेंगे ब्लू फ्लैग परमानन प्राप्त तट, और यहाँ से दे दिया गया है देख सकते हैं अवस्थित, तो यह कहाँ पे है, तो घोघला, तो ये देख लीजिए ये दीव। उसी तरह कासरकोंड ये कर्नाटक में है, कप्पड़ कहाँ, केरल में है, ठीक है। उसके बाद रूसीकोंडा ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह यहाँ से सुमित करना है तो चंडीगढ़ में प्रशासनिक नगर,
शांति निकेतन, शैक्षणिक नगर, धनबाद देखिएगा तो ये खनन नगर के नाम से जानते हैं, और आबू देखिएगा तो इसको पर्यटक नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्वत एवं पहाड़ से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर का नाम हो जाएगा पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।